वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्टकॉइन रिव्यूज। उम्मीद करता हूँ आप सब फ्रेंड खैर से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टॉपिक है FAQs एक्सप्लेनेशन। ये आई थिंक 13 पार्ट है FAQs एक्सप्लेनेशन का, बस अब आई थिंक दो ही रह गए, थोड़े से FAQs ही बाकी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दो या मैक्सिमम तीन पार्ट में इसको कवर करके और ये FAQs एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज को एंड करेंगे, ताकि हम मूव कर सकें हाउ टू वाली सीरीज पर और इसके बाद फिर इंग्लिश सीरीज पर भी, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है मुझे डेली बेसिस पर इंग्लिश वीडियोस के लिए। तो FAQs की सीरीज को फिनिश करके इंशाल्लाह मूव करते हैं इंग्लिश सीरीज पर, उसके बाद मैं हाउ टू वाली सीरीज पर भी मूव करूँगा कि हाउ टू मेक अकाउंट, हाउ टू मेक डिपॉजिट, हाउ टू विड्रॉ। इस टॉपिक पर मैं दो वीडियो तो ऑलरेडी बना चुका हूँ, एक हाउ टू मेक सबमिट अ सपोर्ट टिकट और दूसरी बनाई थी मैंने हाउ टू मेक अकाउंट, और एक और आई थिंक शायद हाउ टू मेक अकाउंट ऑन माई ईथर वॉलेट। तो तीन मैं आई थिंक बना चुका हूँ, लेकिन इस पे और भी आगे बनाएंगे, हाउ टू मेक अ डिपॉजिट, हाउ टू विड्रॉ, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू यूज एबॉट, हाउ टू यूज एमबॉट, ये सारी पे हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अब जल्दी जल्दी FAQs को कंप्लीट करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। लास्ट में आपको एमबॉट के ऊपर FAQs समझा दिए थे, अब चलते हैं मार्केटिंग और एक्सटर्नल वॉलेट्स के ऊपर। व्हाट इज एन एक्सटर्नल वॉलेट, एक्सटर्नल रजिस्टर्ड वॉलेट एट arbitraging.co एंड व्हाई डू आई नीड वन? फॉर रजिस्ट्रेशन, डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्रोसेस, ईच ARB अकाउंट मस्ट हैव वन आउटसाइड स्पेसिफिक वॉलेट एड्रेस रजिस्टर्ड टू द ARB प्लेटफॉर्म सो एज टू सेंड एंड रिसीव बोथ इथेरियम एंड ARB टोकन। एक्सटर्नल वॉलेट ईथर वॉलेट को ही बोलते हैं एक तरह से, जहाँ पर हम अपने कॉइन्स वगैरह होल्ड कर सकते हैं। तो सिंस ARB टोकन हैज बिल्ट ऑन द इथेरियम ब्लॉकचेन, द एक्सटर्नल वॉलेट मस्ट बी एन ERC20 कंप्लायंट वॉलेट। हाउएवर, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू गेट क्लैरिटी ऑन व्हाट वॉलेट्स आर सूटेबल। व्हाट, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता दिए कि इन्होंने तीन वॉलेट्स रिकमेंड किए हैं, माई इथर वॉलेट, मेटामास्क और एक और था शायद, लेकिन इन्होंने दो रिकमेंड किए थे, माई इथर वॉलेट और मेटामास्क। तो आप इन दोनों में से कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हैं। यू चूज विच एक्सटर्नल वॉलेट यू वॉन्ट टू यूज, सेट इट अप एंड रजिस्टर इट ऑन द ARB प्लेटफॉर्म इन द अकाउंट टैब। यू मे चूज, यू मे चेंज इट शुड योर एक्सटर्नल वॉलेट फॉर एनी रीजन be compromised or for any other reason, just switch it on the account tab and save the new wallet address. However, you may never send Ethereum or ARB to or from any other wallet with your ARB account, only use the registered wallet. वो कह रहे हैं कि जब आप अकाउंट बनाते वक्त अकाउंट टैब के अंदर अपना ईथर वॉलेट का जो एड्रेस डालेंगे या मेटामास्क का जो ETH एड्रेस डालेंगे, वही आपने यूज करना है, उसी से आपने डिपॉजिट करना है और विड्रॉ भी उसी में जाएगा, किसी और को यूज़ ना करना वरना पंगे में पड़ जाओगे, ठीक है। और अगर आपने चेंज करना हो तो जाके चेंज कर सकते हो उसको, लेकिन चेंज करने के बाद फिर पुराना वाला वापसी यूज़ ना करना। आफ्टर चेंजिंग योर एक्सटर्नल वॉलेट एड्रेस, योर नेक्स्ट विड्रॉल विल बी फ्लैग्ड एंड डिलेड, इट विल हैव टू बी मैनुअली रिलीज्ड बाय द ARB डेवलपर्स, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी मेजर इन दिस पर्टिकुलर केस, टू गेट योर पेंडिंग विड्रॉल रिक्वेस्टेड यू शुड सबमिट अ सपोर्ट टिकट विद द स्पेसिफिक इशू पेंडिंग विड्रॉल। डू नॉट चेंज द एक्सटर्नल वॉलेट वाइल देर इज अ पेंडिंग विड्रॉल फ्रॉम द प्लेटफॉर्म टू योर एक्सटर्नल वॉलेट, इट विल स्टे पेंडिंग स्टेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेक द फर्दर विड्रॉल्स। जब आप विड्रॉल्स वॉलेट एड्रेस चेंज करोगे तो उसके बाद जो आपका अगला विड्रॉल होगा वो पेंडिंग में चला जाएगा, और उसके लिए आपको सपोर्ट टिकट सबमिट करनी पड़ेगी पेंडिंग विड्रॉल के नाम से, फिर वो ऑटोमेटिकली डेवलपर्स आपका विड्रॉल खुद रिलीज करेंगे। और वाइल पेंडिंग विड्रॉल और सपोर्ट टिकट होगी पेंडिंग आपकी, उस दौरान कोई और विड्रॉल ना करना और उस दौरान अपना वॉलेट एड्रेस चेंज ना करना, वरना और काम डिले हो जाएगा। सपोर्ट टिकट मैंने आपको कल सबमिट करना बता दी थी, तो वो आप वहाँ जाकर, और इत्तेफाक से वो सेम टॉपिक पर ही थी पेंडिंग विड्रॉल पर, तो वो आप जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह करनी है। व्हाट टाइप ऑफ रजिस्टर्ड वॉलेट मस्ट आई यूज, इट मस्ट बी एन ERC20 कंप्लायंट वॉलेट, वी रिकमेंड मेटामास्क, माई ईथर वॉलेट, ऑल्सो हार्ड वॉलेट लाइक ट्रेजर, नैनो लेजर वर्क वेल। ये इन्होंने बता दिए चार। सम एक्सचेंजेस नाउ हैव ERC20 वॉलेट, those do not work, Luno does not work, to name a few not go with. Better है कि इन दो में से use करो, ether wallet और metamask easy to use है,
कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है और आसान है यूज़ करना, तो बिला वजह दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है। ईच ARP अकाउंट एक्वायर्स वन स्पेसिफिक एक्सटर्नल रजिस्टर वॉलेट आउटसाइड द प्लेटफॉर्म विच इज नोन टू सेंड इथेरियम और ARP टोकन व्हेन यू विड्रॉ देम और फ्रॉम विच यू सेंड इथेरियम और ARP टोकन टू ARP प्लेटफॉर्म अकाउंट। यू चूज विच सच ERC20 token complaint wallet you wish to use, set it up and register it in your account tab. You may change your registered wallet address for any reason, just switch it out on the account tab, save the new wallet address. However, you may never send Ethereum or Arbitrage to or from other wallet than the registered wallet in your account. ये ऊपर ही समझा चुका हूँ, same question है कि भाई वो जो अंदर add करोगे उसी पे withdraw करना है, उसी से deposit करना है और कहीं नहीं जाना। और जब वॉलेट एड्रेस चेंज करोगे तो आपको सपोर्ट टिकट करनी पड़ेगी, तो ही आपका विड्रॉल आएगा। व्हाट एक्सटर्नल वॉलेट इज मोस्ट रिकमेंडेड बाय आर्बिट्रेज, ये भी मैं समझा चुका हूँ कि ERC20 कंप्लेंट वॉलेट होना चाहिए, माइथर वॉलेट, मेटामास्क, नैनो और ट्रेजर में से एक होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर नॉट एवरी ERC20 वॉलेट विल वर्क, फॉर एग्जांपल सम एक्सचेंजेस हैव ERC20 बट दे वोंट वर्क, लूनो विल आल्सो नॉट वर्क फॉर एग्जांपल। Stick to the recommended ones and you will be fine. जो recommend किए गए हैं ये इन्हीं को use करें, दूसरों की तरफ ना जाएं तो ठीक रहेंगे, दूसरों में जाके कोई होशियारी करेंगे तो काम लटक जाएगा। आसान अल्फाज में मैं यही समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जो आसान चीज़ है उसको अपने लिए और मुश्किल ना बनाएं, जो आसान है उसको आसानी रहने दें। और however not okay, may I use the multiple registered wallet address? No, the system is only built to recognize one specific wallet address per account, the address you list in the account tab. एक ही wallet address use करना है, एक से ज़्यादा use नहीं करना है। Can two or more bar account have the same registered wallet address? No, अगर आपके दो account हैं, आप family में दो ही बंदे use कर रहे हैं तो दोनों same wallet address use ना करें, अलग अलग वॉलेट एड्रेस यूज़ करें क्योंकि फिर वो मसला करेगा। सम एक्सचेंजेस नाउ हैव, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि कुछ एक्सचेंजेस ने अभी ERC20 निकाल ली हैं लेकिन वो सही काम नहीं करते। आप मेटामास्क और ईथर वॉलेट ही यूज़ करें, सॉरी। अच्छा, रिगार्डिंग मेटामास्क, इट हैज़ अ डाउनलोडेबल एक्सटेंशन फॉर सम ब्राउजर, फायरफॉक्स हैज़ प्रूवन इटसेल्फ बेस्ट ओवर द टाइम टू लॉग इन टू द ARB अकाउंट विद लिटिल नो इशू विद मेटामास्क। However, any other browser extension for security purpose, when you open MetaMask, open it in your browser window using new private window, Firefox, and do not open any other tab while using MetaMask. Close MetaMask down immediately when you are done. Don't leave it conventionally open if you are not using it. Conveniently open when you are not using it. The link to the step-by-step guide how to set up MetaMask. ये लिंक्स दिए हुए हैं जिसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि मेटामास्क, जो मैंने मेटामास्क के ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो अगर आपने मेटामास्क का वॉलेट यूज़ करना है तो आप इस लिंक्स पर जाके स्टेप बाय स्टेप गाइड्स देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह बनाना है। ये मेटामास्क के लिए है, ये ईथर वॉलेट के लिए है और ये क्रिएटिंग अ माई ईथर वॉलेट अकाउंट, ये तीनों के लिए दिए हुए हैं। तो आप बेटर है कि जाके इनको देखें, अच्छी तरह समझें और इसके हिसाब से अकाउंट बना लें, ठीक है। तो इसमें आपको सब समझ आ जाए। कैन आई चेंज माई रजिस्टर्ड वॉलेट एड्रेस आफ्टर आई हैव रजिस्टर्ड विद वन, हाँ आप कर सकते हैं चेंज। आप वहाँ जाएं, अपना वॉलेट एड्रेस मिटाएं, दूसरा पेस्ट कर दें, आपका वॉलेट एड्रेस चेंज हो जाएगा। जस्ट वो एडमिन की तरफ से अप्रूव होगा, उसके बाद आप उस पर विदड्रॉ करवा सकते हैं, सपोर्ट टिकट सबमिट करनी पड़ेगी आपको। वॉट इज सेफ गैस अमाउंट टू यूज व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल वॉलेट टू द प्लेटफॉर्म, 40,000 जब आप ईथर वॉलेट से पैसे भेजते हैं तो वहाँ पर एक गैस अमाउंट आ रही होती है जो आपने लिखनी होती है, वो ऑटोमेटिकली कुछ लिखी भी होती है, आई थिंक 20,000 या 10,000 कुछ, उसको चेंज करके 40,000 कर दें। 40,000 में तकरीबन वो 15 सेंट आपकी फ़ीस लगेगी, 15 से 30 सेंट, और वो आसानी से आपकी अमाउंट पहुँच जाएगी। तो कम फीस रखने की जगह उसको कुछ गैस अमाउंट को बढ़ा दें ताकि आपका अमाउंट जल्द से जल्द आपके अकाउंट में सेंड हो जाए। I sent ARB token to my external wallet, but I don't see them there. Unless you have made an error and missent them, they are in there but not visible until you add the ARB contact address to your external wallet. इन्होंने यहाँ पर step by step guide दी हुई है कि किस तरह आपका वो ARB withdrawal show होगा, आप यहाँ पर से जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये लग रहा है लंबी हो जाएगी, दो में बनानी पड़ेगी। चलो इसी में कंटिन्यू करते हैं, हो जाएगा पूरा। आई सेंट ARB टोकन फ्रॉम माई रजिस्टर्ड वॉलेट एड्रेस टू द ARB अकाउंट ऑन द प्लेटफॉर्म, आई डोंट सी देम, व्हाई नॉट। तो करंटली देर आर 24 आवर होल्ड ऑन द इनकमिंग ARB टोकन, दे विल गो टू योर मेन ARB वॉलेट एंड पोस्ट देयर एज पेंडिंग रजिस्टर वॉलेट एड्रेस टू माई ARB अकाउंट ऑन द प्लेटफॉर्म, आई डोंट सी देयर। 24 घंटे के बाद अगर आप ARB टोकन डिपॉजिट करेंगे तो वो 24 घंटे के बाद शो होंगे आपके अकाउंट में, फॉरन नहीं होंगे। कैन आई जस्ट कीप अ कॉपी ऑफ माई डिपॉजिट। आपने जब भी आपने डिपॉजिट करने जाना है तो आपने पहले डिपॉजिट वाले टैब में जाके वहाँ से एड्रेस कॉपी करना है, फिर ही डिपॉजिट करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक बार कॉपी करके रख लिया और फिर हर बार उसी में भेज दिए, क्योंकि जो डेवलपर्स हैं वो हर बार एड्रेस वगैरह चेंज करते रहते हैं। तो बेटर इज कि हर बार जब भी आपने डिपॉजिट करने जाना है तो वहाँ से जाके एड्रेस को कॉपी करें और फिर भेजें। How long does it take Ethereum or ARB token to arrive in my ARB account when I transfer them from the external wallet? It's usually the proper amount of gas you copy the deposit address. Generally, should not take more than minutes, but both ARB and equally fast. Remember, you should get familiar with the history tab. You can see if you have sent any Ethereum or ARB have registered your account. आप history tab में जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ नजर आ जाएंगे आपके ARB token और जो भी वहाँ आ रहे हैं। ये गाइड्स दी हुई हैं, इन गाइड्स को आप देख सकते हैं। हाउ डू आई ऐड ARB कस्टम टोकन? कस्टम टोकन ईथर वॉलेट के अंदर आपको टोकन जब तक नहीं नज़र आता जब तक आप उसको मैन्युअली ऐड ना करें। अगर कोई विड्रॉ आपके अकाउंट में आया भी होगा तो वो वहाँ पर शो नहीं होता यूजुअली, तो आपको उसको कस्टम टोकन को जाके ऐड करना पड़ेगा। तो वो टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस मांगता है, वो ये कॉन्टैक्ट एड्रेस है, सिंबल मांगेगा उधर ARB डालना और डिजिट्स मांगेगा उसमें 18 डालना है। दिस कॉन्टैक्ट एड्रेस इज नेवर यूज टू सेंड इथेरियम और ARB फ्रॉम एनी प्लेस, इट्स सोल फंक्शन फॉर एज ARB मेंबर फॉर इट्स योर वॉलेट टू आइडेंटिफाई द ARB टोकन प्लेस्ड इन योर एक्सटर्नल वॉलेट। इसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन्स ना करना, ये सिर्फ उधर ऐड करने के लिए है, ठीक है? तो इसके ऊपर कोई दूसरी ट्रांजेक्शन नहीं करनी। अनलेस यू मेड एन एरर और मिस सेंड योर ARB टोकन्स, they are in there but not visible until you add the ARB contact address to your external wallet. So you can, जैसे ही आप ये ऐड करके ऐड दबाएंगे वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन डालकर, तो आपके ARB टोकन वहाँ पर आपके अकाउंट में शो हो जाएंगे। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सोच समझ के सब आराम से करेंगे तो सारा काम उधर हो जाएगा, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, ये टॉपिक एंड हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक होगा इंटरनल वॉलेट, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊँगा। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल Altcoin रिव्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।